जय गो माता, जय गोपाल, गो माता की, गो माता की, गो लोक धाम की। जय गो माता। श्री मनोरमा गोलोक नंदगांव केशवा जिला सिरोही में श्री गो करुणा चातुर्मास आराधना महोत्सव के लिए भीलवाड़ा से 400 गो भक्तों ने यात्रा की और महोत्सव में भाग लिया। भीलवाड़ा के विधायक श्री अशोक कोठारी व श्री सुनील जागेटिया के सानिध्य में संपन्न इस दो दिवसीय यात्रा में शामिल गो भक्तों ने गो ऋषि दत्त शरणानंद महाराज एवं तपस्वी संत अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गो भक्तों ने मनोरमा गोलोक धाम की परिक्रमा करते हुए गो माताओं के दर्शन किए। बीमार एवं असहाय उपचार रत गायों की श्रद्धानुसार सेवा की, चातुर्मास कथा श्रवण किया तथा श्री दत्त शरणानंद महाराज के प्रवचनों का लाभ लिया। महाराज श्री ने कहा कि गाय जीवनी शक्ति का स्रोत है। गाय अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त विष का शमन करने की औषधि है। गाय धर्म की अधिष्ठात्री है। ऐसी परम पवित्र सर्वहितेशिनी वेद लक्षणा गौ माता की सेवा का संकल्प लेकर हमें जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। श्री अशोक कोठारी ने गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा अभियान की जानकारी दी। इस अवसर पर पथमेड़ा गौशाला के आजीवन सदस्य व ट्रस्टी अनमोल सुनील जागेटिया ने गौ माता की सेवा के लिए 2,51,000 रुपये, गो ग्रास के लिए पायल मयंक तोशनीवाल, भेरूलाल जागेटिया, रेणु सुनील जागेटिया और अनुकृति जागेटिया ने 1,00,000 रुपये का सहयोग करते हुए पथमेड़ा गोधाम की आजीवन सदस्यता ग्रहण की। रेणु सुनील जागेटिया व अनुकृति जागेटिया ने 1 साल के लिए गौ माता को गोद भी लिया। श्रद्धालुओं ने श्री मनोरमा गोलोक धाम का भ्रमण करते हुए वहां चल रहे गौ सेवा प्रकल्पों को करीब से देखा और जानकारी प्राप्त की। उन्होंने चातुर्मास आराधना महोत्सव की विभिन्न गतिविधियों में भी भाग लिया। श्री मनोरमा गोलोक नंदगांव की यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने सुंधा माता मंदिर, जीरावल पार्श्वनाथ, पावापुरी तथा श्री गढ़बोर चारभुजा मंदिर में भी दर्शन किए और यात्रा का भरपूर आनंद उठाया। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। श्री मनोरमा गोलोक नंदगांव के लिए 400 यात्रियों के दल ने दिनांक 30 अगस्त 2024 को हरिसेवा धाम भीलवाड़ा से प्रस्थान किया। यात्रा के लिए 8 लग्जरी बसें हरिसेवा धाम परिसर में तैयार खड़ी थी। सायंकाल 7 बजे से ही यात्रीगण हरिसेवा धाम पहुँचने लगे। धीरे धीरे लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। सभी ने बसों में स्थान ग्रहण किया। विधायक श्री अशोक कोठारी ने ध्वज लहराकर बसों को रवाना किया। रात भर का सफर करते हुए प्रातःकालीन बेला में सभी यात्रीगण नंदगांव पहुंचे। यही मेरे पिताजी, यही मेरे माता, तो जो अपने द्वारा ठहरने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए थे। गौ माता को नमन करते हैं, सबको नमन। भीलवाड़ा से 8 बसें आई श्री गोधाम पथमेड़ा नंदगांव में। एक नया तीर्थ स्थल है और यहाँ के सबको लाने का उद्देश्य भी इस पावन भूमि के दर्शन, धरती माता के, गौ माता के दर्शन और ऐसे संत विराजे उन सब के दर्शन। और यहाँ पर आपने देखा होगा हम पिछले 22 वर्षों से श्री गोधाम पथमेड़ा से जुड़े हैं, तो 27 वर्षों से गौ माता से जुड़ने का अवसर मिला। जो पाया वो तो शब्द नहीं है। और ये भूमि से कई प्रेरणा मिलती है, एक अच्छा लगता है।
हमने अपने दोनों बेटों का विवाह भी हमने इसी भूमि पर किया। सबसे कहेंगे सब इस भूमि के नए तीर्थ के दर्शन करें, गौ माता के दर्शन करें। यहाँ सब गौ माता बहुत सुखी है। यहाँ आप रहने के लिए एक दिन, दो दिन, तीन दिन, पाँच दिन, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यहाँ पूरा हॉस्पिटल है, सब कुछ व्यवस्था है। शुभकामना, मंगल कामना। गौ भक्तों की जय, गौ माता की जय, जय गौ माता, जय गोपाल, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गोलोक धाम की जय, गोलोक धाम की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। फ्रेशन अप होने के बाद सभी ने सुरभि भोजनशाला में नाश्ता लिया। नाश्ते के बाद यात्रियों ने बसों में सवार होकर पूरे गोलोक नंदगांव परिसर की परिक्रमा की और गौ माताओं के दर्शन किए। उन्होंने यहाँ बीमार एवं असहाय गोवंश की सेवा शुश्रूषा एवं चिकित्सा हेतु संचालित गतिविधियों का भी जायजा लिया। हम आपको बता दें कि यहाँ दक्ष चिकित्सकों द्वारा रोगग्रस्त गायों के इलाज सहित पूरी देखभाल की जाती है, आवश्यक दवाइयाँ दी जाती है तथा जरूरत के अनुसार ऑपरेशन भी किए जाते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। मेरा नाम चनाराम चौधरी है। मैं यहाँ LSC हूँ, 1500 साल से सेवा दे रहा हूँ। ये हमारा नंदगांव का धंत्री गौ चिकित्सालय है। बहुत ज़्यादा बीमार गायें जो खड़ी नहीं हो सकती, वो गाय बाहर से आती है। ज़्यादातर गोवंश बाहर से आने वाली है, तो कैंसर वाली, एक्सीडेंट वाली, प्लास्टिक खाई हुई, ज़्यादा कम बैठे हुए गोवंश को चारा पानी की व्यवस्था बैठे हुए की जाती है और साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान रखते हैं। और 15-16 चिकित्सा स्टाफ है जो 24 घंटे सेवा देते हैं। हमने वो ऑपरेशन थिएटर बना हुआ है, उसमें फ्रैक्चर या कैंसर वाली जो गाय आती है उसका ऑपरेशन करते हैं। लगभग सभी प्रकार के ऑपरेशन हम कर लेते हैं यहाँ पे। यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने भी बीमार गौ माताओं की अपनी श्रद्धानुसार सेवा की। यहाँ बीमार गोवंश की संगीत चिकित्सा हेतु भक्तजनों द्वारा भजन भी गाए जा रहे थे। बहुत बढ़िया है, मनोरम दृश्य है। गौ माता की बहुत बहुत सेवा की जाती है, इनकी सेवा और इनके जो साफ सफाई है, खुद की गौ माता की चाहे जगह की देखो, सब तरह से अच्छी अच्छी नीट एंड क्लीन, जैसे घर पर नहीं कहते उससे भी ज़्यादा यहाँ पर लोगों के द्वारा सेवा की जा रही है और गौ माता के बराबर सेवा में सहयोग किया जा रहा है। कुछ सेवादार है, कुछ वेतनी काम कर रहे हैं, तो निस्वार्थ भाव से जो ज़्यादा सेवा करें, तन मन धन तीनों लगा, इसलिए आज मनोरम दृश्य है। हम भिलवाड़ा से पधारे। मैं रामचंद्र मुंडा, राम राम साह। बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं पहली बार आया हूँ और मुझे बहुत आनंद लगा था। और मैं लोगों को प्रेरित करूँगा कि एक बार जीवन में जरूर इस यहाँ गौ माता दर्शन करने के बदले। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल।
बाद में सभी ने श्री गुरुदत्त शिव धुनानंद टीला पहुंचकर परम पूज्य अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। यात्रीगण ने भोजनशाला पहुंचकर दोपहर का भोजन प्रसाद ग्रहण किया। बता दें कि भोजनशाला में प्रेम पूर्वक शुद्ध सात्विक एवं स्वादिष्ट भोजन कराया जाता है। नाश्ते और भोजन में दूध एवं छाछ की भरपूर उपलब्धता रहती है। खास बात यह है कि गौगव्य पंचगव्य और जैविक उत्पादों की प्रमुखता से भोजन की पौष्टिकता बढ़ जाती है और ये ऑर्गेनिक फूड स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक रहता है। शाम को सभी ने भगवान जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए और कथा पांडाल में कथा श्रवण किया। आपने लगे ही इसलिए दिखता है। श्रेष्ठ और दिव्य भावों का अवतार होता है। तो सुरभि प्रसाद ग्रह में सायंकालीन भोजन प्रसाद ग्रहण किया और उसके पश्चात गौर ऋषि दत्त शरणानंद जी महाराज के अमृत प्रवचनों का लाभ लिया। यात्रियों ने यहाँ संचालित सोवेनियर शॉप में पंचगव्य से निर्मित गौ उत्पाद, आयुर्वेदिक औषधियाँ, धार्मिक साहित्य, मिठाई, बिस्किट व अन्य उत्पादों की खरीदारी भी की। जय गो माता, जय गोपाल। भीलवाड़ा से लगभग 400 गौ भक्तों का एक ग्रुप पूरा निकला है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा के नंदगांव उपक्रम सुंदर दृश्य को देखने के लिए एवं लोगों के अंदर गौ सेवा के प्रति जागरूकता बढ़े। आज के जमाने में सबसे बड़ा सम्मान की अधिकारी गौ माता गौवंश है। परम पूज्य पथमेड़ा महाराज दत्त शरणानंद जी ने, जिन्होंने आज के लगभग 30 वर्ष पूर्व 1993 में 8 गौवंश से इस अभियान को शुरू किया, जो आज विश्व के सबसे बड़ी गौशाला का खिताब रखता है। तो भीलवाड़ा से जितने भी लोग साथ में आए हैं, उन सबके द्वारा यही संदेश देना है कि हर व्यक्ति को जीवन में गाय से जुड़ना है। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि गौ माता को सुखी रखने का हर संभव प्रयास करें। तन मन धन, जिस भी तरीके से आप जहाँ हैं, जो आपके नज़दीक गौवंश है, उसकी सेवा करें। इसी उद्देश्य को लेके सब लोगों को दर्शन के लिए वहाँ जाना का प्रोग्राम हुआ। हर व्यक्ति एक बार वहाँ पर अवश्य जाए और गौ सेवा से प्रेरित होके अपने अपने स्थान पर गौ सेवा करे। जय हिंद, जय गो माता, जय गोपाल। यात्रा के दूसरे दिन सभी ने सुरभि प्रसाद ग्रह में प्रातःकालीन अल्पाहार लिया। अल्पाहार के पश्चात यात्रीगण 35 किलोमीटर दूर सुंधा माता तीर्थ दर्शन के लिए रवाना हो गए। जालौर जिले की भीनमाल तहसील में स्थित सुंधा माता का मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। यह मंदिर करीब 900 साल पुराना बताया जाता है। लगभग 850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है तथा रोप वे से भी जाया जा सकता है। मंदिर में मां चामुंडा देवी की मूर्ति स्थापित है।
जंगलों और पहाड़ों के बीच सुंधा माता मंदिर की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। ऊंचे पर्वत, सघन वन, पहाड़ों से बहती जलधाराएं और झरने देखकर मन खुश हो जाता है। सुंधा माता मंदिर में दर्शन करने के बाद सभी ने वापस नंदगांव पहुंचकर दोपहर का भोजन लिया। गो माता की जय हो, गो माता की जय हो, गो लोक धाम की जय, मनोरमा धाम की जय। और उसके बाद अपनी तीर्थ दर्शन यात्रा को कंटिन्यू करते हुए पहुंच गए जीरावला पार्श्वनाथ जैन मंदिर। यह मंदिर भी नंदगांव से करीब 30 किलोमीटर ही दूर है। आबू रोड से इसकी दूरी 68 किलोमीटर है। जीरावला सिरोही जिले का एक गांव है जहां यह विशाल पार्श्वनाथ मंदिर स्थित है। मूल मंदिर सन 1134 ईस्वी पूर्व का बताया जाता है। दो दिन की जो यात्रा जो पद्मेड़ा की थी वो वहाँ पर गो भक्तों की भीड़ को देखकर बहुत अच्छा लगा। वहाँ से एक मुझे एक प्रेरणा भी मिली कि मुझे भी अब एक गाय को रखूँगा और गौ माता की सेवा करूँगा। इतने गो भक्तों को देखकर मन बहुत आनंदित रहा, बहुत अच्छा। हम मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर मुझे बहुत पहले जल्दी आना चाहिए था, लेकिन आए, लेकिन दुरुस्त आए। लेकिन एक यहाँ से कसम लेकर जा रहे कि अब एक गाय का पालन करूँगा और उसकी देखभाल मैं खुद ही करूँगा। मनोरमा गोलोक तीर्थ क्षेत्र नंदगांव है, वो पथमेड़ा का एक प्रकल्प है और स्वामी दत्त शरणानंद जी महाराज जी के सानिध्य में ये एक गो सेवा का एक अनूठा कार्य चल रहा है। अनेक गो सेवक, गो श्रद्धालु तैयार हुए और ये जो एक तीर्थ क्षेत्र बना है नंदगांव, और अशोक जी भाई साहब का इसमें इस प्रकल्प में बहुत बड़ा योगदान है। दत्त शरणानंद जी की प्रेरणा से सुनील जी और भीलवाड़ा के अनेक दो भक्त इस प्रकल्प से जुड़े, और ये जो हमारा दो दिन का जो यात्रा रही है उसमें भी अनेक और गो सेवक भी इससे जुड़े हुए हैं। गो सालों के प्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं। बहुत बड़ा आनंद का विषय है। महावीर स्वामी की जय, महावीर स्वामी की जय, महावीर स्वामी की जय। जीरावला पार्श्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद यात्रीगण ने पावापुरी जैन तीर्थ स्थल पहुंचकर संखेश्वर पार्श्वनाथ प्रभु के दर्शन किए। पावापुरी का ये मंदिर सिरोही जिला मुख्यालय से करीब 22 किलोमीटर दूर है। मंदिर परिसर में एक गौशाला भी संचालित है। पावापुरी से गढ़वोर चारभुजा जाते समय मार्ग में सरतानपुरा हनुमान मंदिर में भी दर्शन किए। यहाँ चाय नाश्ते का भी प्रबंध था। हनुमान मंदिर में श्रद्धालु भक्तजनों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और बजरंगबली की प्रशंसा में भजन गाते हुए, नाचते हुए खूब आनंद लिया। रात्रि में करीब 10 बजे यात्रीगण गढ़बोर चारभुजा पहुंच गए। पहले चारभुजा मंदिर में दर्शन लाभ लिया और उसके बाद माहेश्वरी भवन में रात्रि भोजन ग्रहण किया। चारभुजा जी से बसें रात 12 बजे भीलवाड़ा के लिए रवाना हुई तथा देर रात करीब 2:30 बजे भीलवाड़ा पहुंच गई। और इस तरह सुखद स्मृतियों के साथ श्री मनोरमा गोलोक नंदगांव की ये यात्रा संपन्न हुई। इस यात्रा में
चानमल सोमानी, कल्किराम महाराज, भगवान सिंह चौहान, देवीलाल गुर्जर, विश्वबंधु सिंह राठौड़, सीए नवीन काकानी, केदार जागेटिया, विनोद कोठारी, रामपाल असावा, बालकृष्ण झंवर, गोपाल जीनगर, कैलाश जीनगर, बाबूलाल टाक, दिनेश सुथार, धर्मेंद्र कोठारी भी शामिल थे। यात्रा संयोजक गोपाल बांगड़ ने बताया कि यात्रा के दौरान सुखदेव, सुरेश त्रिपाठी, नरेंद्र बापना, अमित काबरा, विवेक निमावत, अनिल सोनी, मुकेश अग्रवाल, बहादुर सिंह एवं कुंज बिहारी का विशेष सहयोग रहा। रोशन माली, जगदीश व्यास, कृष्ण गोपाल लढ़ा, शिवेंद्र पारी, गणपत सिंह सहित जिले की कई गौशालों के प्रतिनिधि भी इस यात्रा में शामिल हुए। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।